1975 इमरजेंसी लगने के लगभग 6 सप्ताह बाद एक बेहद खास आदमी का इंटरव्यू होता है। खादी का सफेद कुर्ता पैजामा पहने और काले फ्रेम का चश्मा लगाए इस खास आदमी ने इंटरव्यू में अपने काम के बारे में बताया कि वो आम आदमी के लिए एक ऐसी कार बनाने वाले हैं जो बहुत जल्द फिएट और एम्बेसडर को भारत के बाजार से बाहर कर देगी। इस व्यक्ति ने देश की इकोनॉमी को लेकर कहा कि वे मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं और यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। इस व्यक्ति ने कहा कि सरकार को उद्योगों पर से सारे प्रतिबंधों को हटा लेना चाहिए। कहां, कब और कैसे कोई उद्योगपति कारखाना लगाना चाहता है ये तय करने में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए और न ही सरकार को कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि लोकतंत्र का ये मतलब नहीं कि कोई किसी भी चीज को इस देश में अपनी मर्जी से बर्बाद कर सके। इस व्यक्ति से एक सवाल और पूछा गया था, आपकी माँ से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? जवाब था, वो हमेशा मेरी बात मानती हैं। मैं जब 5 साल का था तब भी वो मेरी बात मानती थी। ये एक ऐसी लाइन थी जो सुनने में बहुत सामान्य लग रही थी, लेकिन अगर इसे किसी खास एंगल से देखें तो ये देश की नियति के लिए बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ, पूरे देश की नियति के लिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको इस लाइन का मतलब समझ आएगा। इस आदमी के बारे में कहा जाता था कि ये वो आदमी था जो काम करवाने का मादा रखता था। वो चमचे किस्म के आदमियों को पसंद नहीं करता था। उनके शब्द सिर्फ हवा हवाई नहीं होते थे, वो जो बोलता था उसे करके दम लेता था। इस व्यक्ति का नाम था संजय गांधी और ये सही मायनों में किसी प्रधानमंत्री की औलाद थे। देश में इनका सिक्का चलता था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही प्रधानमंत्री ना बन पाए हों, लेकिन भारतीय राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने 1973 से लेकर 1977 के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर देश को चलाया। आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों संजय गांधी को कुछ लोग एक विलेन के तौर पर देखते हैं और कुछ विजनरी मानते हैं। क्या ये मानना ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम है अमृत, आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ hours की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूँ? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। संजय गांधी का इंटरेस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर में था। अपने इंटरेस्ट के चलते उन्होंने इंग्लैंड के क्रेवे में रॉल्स रॉयस के साथ 3 साल की इंटर्नशिप भी की। रॉल्स रॉयस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। संजय गांधी यहाँ कार के इंजन से लेकर बॉडी पेंट तक की बारीकियों को समझ रहे थे। तभी 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गईं। यही वक्त था जब संजय गांधी अपने इंटर्नशिप बीच में छोड़कर देश वापस आ गए। लेकिन उनका ऑटोमोटिव सेक्टर में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। संजय गांधी का सपना था कि भारत में आम लोगों के पास अपनी स्वदेशी कार हो जो कम से कम कीमत पर लोग खरीद सके। इस सपने को पूरा करने के लिए 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन हुआ और इस कंपनी के पहले MD बने संजय गांधी। लेकिन इस मारुति प्रोजेक्ट के चलते इंदिरा गांधी पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि कई दूसरे कारणों से और इमरजेंसी के चलते संजय गांधी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर कुछ खास नहीं कर पाए और मारुति परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत में मारुति 800 को लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। वो शुरुआत ना करते तो मारुति आज इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड नहीं बन पाता। बस दुख ये है कि संजय गांधी के जीते जी ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल 1971 वो वक्त था जब इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी
और अब संजय गांधी को राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करनी थी। इसके बारे में रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं कि 1971 में जब प्रिवी पर्स को खत्म किया जा रहा था, तब इंदिरा गांधी ने पूर्व राजा महाराजाओं को जन्म के बजाय कर्म की बदौलत प्रतिष्ठा पाने की नसीहत दी थी। लेकिन जब अपने पुत्र की बारी आई तो इंदिरा गांधी ने अपनी उसी नसीहत के सामने घुटने टेक दिए। उनके बेटे की तरक्की भी उसी सामंती और वंशवादी रास्ते पर हुई थी। गुहा आगे लिखते हैं कि जिस तरह एक युवराज को किसी खास जगह के ड्यूक या फिर किसी खास जगह के प्रिंस की पदवी दी जाती है, उसी तरह संजय गांधी को कांग्रेस की युवा शाखा का प्रभारी बना दिया गया। हालांकि ऑन पेपर संजय गांधी उस संगठन की कार्यकारी समिति के केवल सदस्य भर थे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष उनसे आदेश लेता था, लेता भी क्यों ना। जिस तरह मुगल शहजादों को सत्ता संभालने से पहले किसी न किसी सूबे का सूबेदार बना दिया जाता था, ठीक उसी तरह संजय गांधी को भारत की राजधानी का प्रभार सौंप दिया गया। इमरजेंसी लगने के कुछ ही महीनों के भीतर ये बात पूरी तरह से फैल गई कि प्रधानमंत्री खुद ही चाहती हैं कि दिल्ली का मामला उनका बेटा ही देखे। ये वो वक्त था जब संजय गांधी को श्रीमती गांधी का सबसे प्रबल उत्तराधिकारी समझा जा रहा था। उन्हें अक्सर इंदिरा गांधी के साथ देखा जाता और अक्सर वे अपनी मां को मंत्रिमंडल में नियुक्ति जैसे मसलों तक राय देते थे। राय क्या देते थे, ऐसा कहा जाता है कि मां इंदिरा गांधी संजय की बात ही मानती थी। ऐसे में पॉलिटिशियंस के बीच संजय गांधी का रुतबा बढ़ना लाजमी था। यहां ध्यान दीजिएगा कि संजय गांधी न तो किसी संवैधानिक पद पर थे और न ही किसी वैधानिक पद पर, किसी भी ओहदे में नहीं थे। ओहदा तो सामान्य मनुष्यों के लिए होता है, संजय गांधी ओहदों से ऊपर की चीज थे। संजय गांधी की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत था उनके प्रति केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का समर्पित व्यवहार, एकदम बिछ जाने वाला व्यवहार था। उदाहरण के लिए नौसेना के किन दो एडमिरलों में से एक को प्रमोशन देना है, इसका फैसला करने से पहले रक्षा मंत्री बंसीलाल उन एडमिरल्स को संजय गांधी के सामने ले जाते जहां उनका इंटरव्यू होता, फिर संजय गांधी फैसला करते। ऐसे ही एक दूसरे वाक्य में जब संजय गांधी ने राजस्थान का दौरा किया तो वहां के मुख्यमंत्री उनकी अगुवाई करने हवाई अड्डे तक आए। संजय गांधी ने जब जयपुर में प्रवेश किया तो उन्होंने 501 तोरण द्वारों को पार किया जो उनके स्वागत में लगाए गए थे। ऐसे ही जब वो एक बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, हवाई अड्डे पर उनके पैर से उनकी चप्पल निकल गई, तब वहां के मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से चप्पल उठाई और संजय गांधी को पहना दिया। मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह की तो कोई हैसियत ही नहीं थी संजय गांधी के आगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनका एक क्लोज ग्रुप था। राजनीतिक गलियारों में इसको चौकड़ी कहा जाता था। आप इसको संजय गांधी की पर्सनल कैबिनेट या फिर पर्सनल एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कह सकते हैं। इस ग्रुप में दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिव नवीन चावला, एक आईपीएस अधिकारी पीएस भिंडर, महिलाओं में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष अंबिका सोनी और दिल्ली की समाज सेवी रुखसाना सुल्ताना शामिल थी। रुखसाना सुल्ताना फिल्म एक्ट्रेस अमृता सिंह की माँ और सारा अली खान की नानी। हर सुबह ये ग्रुप संजय गांधी के कार्यालय में जमा होता था। यहां से आवश्यक आदेश लिया जाता था और प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी जाती थी। इसके अलावा संजय गांधी की बैठक में प्रधानमंत्री के स्टेनोग्राफर आर के धवन भी होते थे, जो भारत सरकार और इस समूह के बीच ब्रिज का काम करते थे। इस चौकड़ी को ज्ञान देने वाले एक लंबी दाढ़ी वाले स्वामी जी थे, नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। स्वामी जी थे तो योग गुरु, लेकिन धीरे धीरे इनकी संजय गांधी से इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि अब ये राजनीतिक ज्ञान भी देने लगे। इस चौकड़ी की खबर शहर में सबको थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको कोई भी सरकारी काम करवाना हो तो इस ग्रुप के किसी भी आदमी से बात कर लें, आपका काम हो जाएगा। जिन व्यापारियों को लाइसेंस लेना होता या टैक्स माफ करवाना होता या फिर जिन सांसदों को मंत्री बनाना होता या किसी मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनना होता, वो इस चौकड़ी से संपर्क करता। संजय गांधी की चौकड़ी सिर्फ संजय गांधी के प्रति ही प्रतिबद्ध थी। याद कीजिए, ये संजय गांधी ही थे जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी को राज नारायण केस के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा देने से मना किया था। ऐसा माना जाता है इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाए जाने के डिसीजन में संजय गांधी का बड़ा हाथ था। वो इमरजेंसी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक थे। इमरजेंसी के पहले ही महीने में संजय गांधी का भौकाल टाइट हो चुका था। जलवा ऐसा कि नेहरू के मंत्रिमंडल में काम कर चुके स्वर्ण सिंह को हटाकर बंसीलाल को बस इसलिए रक्षा मंत्री बना दिया गया क्योंकि स्वर्ण सिंह इमरजेंसी लागू करने को लेकर बहुत उत्साही नहीं थे। हालांकि बंसीलाल संजय गांधी के नजदीकी भी माने जाते थे। इंटरव्यूज वगैरह में संजय गांधी हमेशा इमरजेंसी की उपलब्धियां गिनवाते थे।
उनका कहना था कि इमरजेंसी ने देश की जनता को डिसिप्लिन दिया है, उनका जीवन बदल दिया है। संजय गांधी ने यहां तक कहा था कि इमरजेंसी से देश ने कालाबाजारी, जमाखोरी, बसों को जलाए जाने की घटना और काम पर देर से पहुंचने की अपनी आदत खोई है। हालांकि ये सिक्के का एक पहलू था। इमरजेंसी में तीन कामों को लेकर संजय गांधी की बहुत आलोचना की जाती है। इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश देना, कड़ाई से सेंसरशिप लागू करवाना और सरकारी कामकाज में बिना किसी आधिकारिक भूमिका के हस्तक्षेप करना। सेंसरशिप पर संजय गांधी का मानना था कि प्रेस लगातार दुस्साहसी होता जा रहा है, लगातार अपमानजनक और झूठी खबरें छाप रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप ही एकमात्र तरीका है जिससे इस पर रोक लगाई जा सके। सेंसरशिप से ही रिलेटेड एक किस्सा है जो आपको जानना चाहिए। हुआ यूं, इंद्र कुमार गुजराल उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे और प्रेस के प्रति ज्यादा उदार थे, जैसा कि होना भी चाहिए। जग्गा कपूर ने किताब व्हाइट प्राइस पर्जरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन में लिखा कि संजय गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल को आदेश नुमा अंदाज में कहा कि अब से प्रसारण से पहले आकाशवाणी के सारे समाचार बुलेटिन उन्हें दिखाए जाएं। गुजराल ने भी कह दिया कि सॉरी मिस्टर गांधी, ये पॉसिबल नहीं है। अगली सुबह संजय गांधी ने गुजराल से कहा, आप अपना मंत्रालय ढंग से नहीं चला रहे हैं। गुजराल का जवाब था, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो सभ्य और विनम्र होना होगा। मेरा और प्रधानमंत्री का साथ तब से है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हें मेरे मंत्रालय में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। ये सब बातें हो ही रही थी कि एक और वाक्या हुआ, मार्क टली की गिरफ्तारी का। संजय गांधी के खास दोस्त थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने गुजराल को फोन कर कहा कि दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर बंद करवाओ और उसके ब्यूरो चीफ मार्क टली को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से ये झूठी खबर प्रसारित की कि जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह को सरकार ने घर में नजरबंद कर दिया है। वहीं मार्क टली अपनी किताब फ्रॉम राज टू राजीव में लिखते हैं, यूनुस ने गुजराल को हुक्म दिया कि मार्क टली को बुलवाओ और उसकी पैंट उतरवाकर उसकी बेंत से पिटाई करवाओ और जेल में ठूस दो। खैर, गुजराल ने मोहम्मद यूनुस को जवाब दिया कि एक विदेशी संवाददाता को गिरफ्तार करवाना सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम नहीं, ये काम पुलिस का है। फिर गुजराल ने सच जानने के लिए बाद में बीबीसी प्रसारण की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मंगवाई, जिससे पता चल गया कि बीबीसी ने जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह को हिरासत में लिए जाने की खबर प्रसारित ही नहीं की थी। उन्होंने ये सूचना इंदिरा गांधी तक पहुंचाई, लेकिन उसी शाम इंदिरा गांधी ने उन्हें फोन कर कहा कि वो उनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय वापस ले रही हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में मंत्रालय को कड़े हाथों से चलाए जाने की जरूरत है। बाद में गुजराल को पद से हटा दिया गया और वीसी शुक्ला जैसे नेता को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। माना जाता था कि शुक्ला जी गुजराल की तुलना में ज्यादा कठोर और ज्यादा कड़क नेता थे। ये हाल थे इमरजेंसी के। अगर आप मेरे साथ नहीं तो आप मेरे खिलाफ हो वाला भाव था संजय गांधी में। तटस्थ होना तो गुनाह था। इंदिरा गांधी ने अपने विजन को पूरा करने के लिए एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। इसमें जरूरी वस्तुओं की कीमतें कम करना, सरकारी खर्च कम करना, कृषि भूमि की हदबंदी को लागू करना, भूमिहीनों और गरीब तबके को मकान के लिए जमीन दिलवाना, बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करना जैसे कई आर्थिक सामाजिक लक्ष्य शामिल थे। वहीं संजय गांधी ने अपनी मां के विजन को लागू करने के लिए अपना एक 5 सूत्री कार्यक्रम तैयार कर लिया था। इन कार्यक्रमों में परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा उन्मूलन, निरक्षरता मिटाओ अभियान और झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान अहम थे। इन सारे कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य जोर परिवार नियोजन पर था, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। दिल्ली के मामले में सबसे ज्यादा जोर झुग्गी झोपड़ी हटाने पर था और संजय गांधी को भारत की राजधानी का ही प्रभार सौंप दिया गया था। आपको पता ही है कि झुग्गी झोपड़ियों में कम आमदनी वाले लोग, स्वीपर, रिक्शा चलाने वाले, घरेलू नौकर, साफ सफाई करने वाले और उनके परिवार जीवन से जंग लड़ रहे होते हैं। किसी भी महानगर को सुचारू रूप से चलाने में सबसे बड़ा योगदान इन झुग्गी झोपड़ी वालों का ही है। आपको एक कहानी बताते हैं। संजय गांधी एक बार पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास घूम रहे थे और एक बात को लेकर नाराज हो गए थे। वो इस बात से नाराज थे कि वे मकानों और झुग्गी झोपड़ियों की भूल भुलैया के कारण पुरानी जामा मस्जिद को नहीं देख पा रहे थे। संजय गांधी चाहते थे कि शहर से ये झुग्गियां हटा दी जाएं और उन्हें यमुना पार के खेतों में बसा दिया जाए। उस समय दिल्ली में इस तरह की करीब 100 बस्तियां हुआ करती थी, जिनमें लगभग 5 लाख लोग रहते थे। काम मुश्किल था, लेकिन इस काम को करने वाला एक व्यक्ति इसी समय दिल्ली में मौजूद था, जिसके विचार संजय गांधी से बड़े मिलते जुलते थे। ये थे जगमोहन।
जगमोहन दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे और बहुत महत्वाकांक्षी और तानाशाह किस्म की व्यक्ति थे। बेरन हाउसमैन जगमोहन के आदर्श थे। जगमोहन वही काम करना चाहते थे जो हाउसमैन ने कभी पेरिस के लिए किया था। हाउसमैन ने झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर शहर में खुले हवादार इलाकों का निर्माण कर पेरिस की काया पलट कर दी थी। पेरिस को एक शानदार सांस्कृतिक शहर में तब्दील कर दिया था हाउसमैन ने। जगमोहन भी इन झुग्गी झोपड़ियों से एक अरसे से परेशान थे। उनका मानना था कि ये झुग्गियां दिल्ली को एक बीमार और आत्माविहीन शहर बना रही थी। लेकिन दिल्ली को साफ सुथरा करने के अभियान में जगमोहन की राह में सबसे बड़ी बाधा थी कानूनी प्रक्रियाएं। उन्हें हर घड़ी सरकार से मंजूरी लेनी होती थी, पुनर्वास की योजना बनानी होती थी और जनता के प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से समझौता करना पड़ता था जो उन्हें नामंजूर था। लेकिन अब संजय गांधी का हाथ जगमोहन के सिर पर था। जगमोहन भी डबल कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि साक्षात प्रधानमंत्री का बेटा उनके काम का समर्थन कर रहा था। अब संजय का समर्थन और इमरजेंसी दोनों ने जगमोहन के काम को एक तरह से वैधता प्रदान कर दी। अब ये लोगों को मनाने के बजाय जबरदस्ती पर उतारू हो गए। जगमोहन अब बन गए थे बुलडोजर मोहन। अब खुलेआम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोजर घुस जाते। अब जगमोहन को किसी का डर नहीं था, अपनी अंतरात्मा का भी नहीं। मानो उसके शरीर में बैरन हाउसमैन की आत्मा बस गई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरजेंसी लगने से 15 साल पहले तक डीडीए महज 60,000 झुग्गियों को दिल्ली से हटा पाई थी, जबकि इमरजेंसी के 15 महीनों में ये तादाद दोगुनी से ज्यादा पहुंच गई। जगमोहन के बुलडोजर से झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग मरने मारने की स्थिति में आ गए। जगमोहन के बुलडोजर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई। पुलिस और झोपड़पट्टी वाले गरीब लोगों में झड़पें होने लगी। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का प्रयोग हुआ, जवाब में लोगों ने पत्थर फेंके। लेकिन सरकार के सामने इन झोपड़पट्टी वाले गरीब लोगों की क्या बिसात थी। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या 200 के आसपास थी। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इमरजेंसी थी भाई साहब, कोई क्या ही कर लेता। उन्हें बस आदमी चाहिए थे, कोई भी आदमी। ये वाक्य महाराष्ट्र के बार्शी से ताल्लुक रखने वाले खांडू गेनू कांबले के थे। हजारों अन्य लोगों की तरह कांबले को भी 1976 में नसबंदी करवाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मसीह रहमान ने लिखा था कि जनवरी 1976 में बार्शी के नगर परिषद को 1,000 लोगों की नसबंदी कराने का टारगेट दिया गया, वो भी 10 दिन के अंदर। पहले 2 दिनों में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया, इसलिए अगले 8 दिनों तक 2 ट्रक शहर में घूमते रहे ताकि टारगेट हासिल हो सके। बार्शी आने वाले सैकड़ों किसानों को सड़कों से घसीटा गया और जबरन उनकी नसबंदी करा दी गई। क्या बूढ़ा क्या जवान, किसी को नहीं छोड़ा गया। कई लोग सेप्टिक हो गए, एक की मौत हो गई। सभी बुरी तरह से सदमे में थे, लेकिन सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पड़ना भी नहीं था, क्योंकि टारगेट हासिल करना ही मुख्य मकसद था। लेकिन इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। देखिए, कई भारतीय बुद्धिजीवियों ने अधिक जनसंख्या को ही देश की सभी समस्याओं की जड़ माना है। हालांकि ये भी माना जाता है कि ये विचार मोटे तौर पर पश्चिमी देशों से आया हुआ है। इसके अलावा देश में पूर्वाग्रहों की वजह से लड़कियों को उस वक्त भी बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था। कृषि पर निर्भरता तो थी ही, जिसकी वजह से भी परिवार में लोग ज्यादा बच्चे चाहते थे, और खास तौर पर लड़के। वे तब तक बच्चा पैदा करते रहते थे जब तक कम से कम एक बेटा ना हो जाए। वहीं भारतीय मुसलमानों और कैथोलिकों को उनके धर्मगुरु परिवार नियोजन से रोकते थे, इसलिए आबादी बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस टाइम पीरियड में जन्म दर में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन अभी भी जन्मदर और परिवार का औसत आकार कम नहीं हो पा रहा था। सन 1901 में भारत की आबादी 24 करोड़ थी। 1951 में आबादी लगभग 36 करोड़ हो चुकी थी। तब प्रसिद्ध जनसांख्यिकीविद आर ए गोपाल स्वामी ने अनुमान लगाया था कि जनसंख्या हर साल लगभग 5 लाख की दर से बढ़ेगी। उनका मानना था कि अगर जनसंख्या इसी रेट से बढ़ी तो लाखों टन खाद्यान्न आयात करने के बाद भी देश से भुखमरी नहीं जाएगी। संसाधन कम पड़ जाएंगे, लेकिन सबका पालन पोषण नहीं हो पाएगा। तब गोपाल स्वामी ने सॉल्यूशन भी बताया, और सॉल्यूशन था सामूहिक नसबंदी। ये कुछ ऐसा काम था जो इससे पहले किसी अन्य देश ने नहीं किया था, कम से कम इस लेवल पर तो नहीं। बहरहाल गोपाल स्वामी की बात मानी गई। सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। नसबंदी करवाने के लिए जागरूकता अभियान और आर्थिक प्रोत्साहन शुरू किए गए। लेकिन एक ऐसे देश में जहां अंधविश्वास समाज में गहरे लेवल पर पसरा था, नसबंदी को लागू करना आसान काम नहीं था। जनता में हिचकिचाहट थी,
कुछ लोगों का मानना था कि इससे यौन इच्छा कम होती, कुछ को ऑपरेशन टेबल पर मौत दिखती थी। कुल मिलाकर नसबंदी फेल हो गई। फिर महीनों बीते, साल बीते, 1971 में आबादी बढ़कर 55 करोड़ हो गई। वहीं आपातकाल से ठीक पहले के कुछ साल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल भी थे, जैसे 1972 और 73 में बारिश बहुत कम हुई, खेती कम हो गई, इससे खाद्यान्न की कमी हो गई। फिर 1973 के तेल संकट के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त कमी आई। इस समय महंगाई ज्यादा थी और बेरोजगारी भी ज्यादा थी, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए फिर से सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान फोकस किया। नसबंदी फिर से सुर्खियों में आ गई। संजय गांधी भी यही चाहते थे और आपातकाल के चलते सिविल राइट्स तो थे ही नहीं, जिसके कारण सरकार पहले की तुलना में अधिक सख्ती से काम कर सकती थी। संजय गांधी ने दावा किया कि अगर उनके कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू किया गया तो हिंदुस्तान की 50% समस्याएं दूर हो जाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण संजय गांधी के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत मिशन बन गया। उन्होंने खुद कहा कि वे अनिवार्य नसबंदी का समर्थन करते हैं। हालांकि रामचंद्र गुहा ने इस बारे में इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखा है कि संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रमों में परिवार नियोजन को छोड़कर अन्य 4 उबाऊ किस्म के कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में करिश्माई नेतृत्व पैदा कर सकने के गुण नहीं थे, इसलिए परिवार नियोजन पर पूरी ताकत लगा दी गई। संजय साल में नतीजे चाहते थे और इसके लिए पूरी सरकार और पार्टी तंत्र को लगा दिया गया। देश भर में शहर से लेकर गांव तक नसबंदी शिविर लगाए गए और टारगेट सेट किए गए। संजय गांधी ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को कोटा बांटा, जिसे उन्हें हर संभव तरीके से पूरा करना था। नसबंदी के मामले में संजय गांधी अक्सर एक स्टेट के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन दूसरे स्टेट से किया करते। वे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से ये कहते कि देखो फला स्टेट के मुख्यमंत्री ने कैसे महज 2 सप्ताह में 60,000 ऑपरेशन करवा दिए, अब तुम्हें इससे भी ज्यादा करके दिखाना है। सीएम इस टारगेट को अचीव करने का आदेश डीएम को देते, जो अपने टारगेट को अचीव करता या उससे भी बेहतर करता उसकी पदोन्नति की जाती और जो इसमें नाकामयाब होता उसका ट्रांसफर, यानी टारगेट लाओ इनाम पाओ। इसलिए जब टारगेट को अचीव करने की बात आई तो अधिकारियों ने कुछ भी नहीं देखा। नतीजा ये हुआ कि देश भर में जबरदस्ती ऑपरेशन करवाने की होड़ मच गई। बस आदमी पकड़ो, टेबल पर लिटाओ और चीरा लगाओ, सिंपल। नसबंदी से बचने के लिए ग्रामीण अक्सर कई दिनों और रातों तक अपने खेतों में छिपे रहते, लेकिन सरकार पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाती। कुछ दूसरे तरीके भी थे नसबंदी करवाने के, जैसे निचले दर्जे के कर्मचारियों को अपना पुराना बकाया लेने से पहले नसबंदी करवानी पड़ती। ट्रक ड्राइवर्स को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना हो तो पहले नसबंदी करवानी होती थी। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल थे। एक बात गौर करिएगा कि इस काम में सरकार को शहरों में गांव की तुलना में ज्यादा कामयाबी मिली। बहरहाल अब लोगों के सब्र का भाखड़ा नांगल बांध टूट रहा था। झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान की तरह ही लोगों ने नसबंदी का भी विरोध किया। यहां तक कि नसबंदी शब्द आपातकाल की ज्यादतियों का सिनोनिम बन गया। अगर लोग विरोध करते तो हालात बिगड़ जाते थे। पत्रकार कुलदीप नैयर ने 1977 में अपनी किताब द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया में ऐसे कई मामलों के बारे में लिखा है। उदाहरण के लिए यूपी के सुल्तानपुर के नरकडी में नसबंदी शिविर के लिए इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने पुलिस पर धावा बोल दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में गोलियां चली और कम से कम 13 लोग मारे गए। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में लोग जबरन नसबंदी के चलते आपे से बाहर हो गए और स्वास्थ्य केंद्र को जलाकर राख कर दिया। प्रशासन ने पुलिस बुला ली और गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कितने लोगों की नसबंदी हुई। नसबंदी की संख्या के बारे में कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि 1977 में नसबंदी की संख्या 60 से 80 लाख के बीच थी। आपको नसबंदी अभियान से जुड़ा एक अनसुना फैक्ट भी बताते हैं। संजय गांधी के परिवार नियोजन अभियान के शिकार लोकप्रिय महान गायक किशोर कुमार भी हो गए थे। ऐसा मत समझिएगा कि संजय गांधी ने किशोर कुमार को पकड़कर जबरन नसबंदी करवा दी। दरअसल नसबंदी के लिए फंडिंग जुटाने के लिए अन्य कई गायक और संगीतकार कार्यक्रम करने पर राजी हो गए थे सिवाय किशोर कुमार के। फिर होना क्या था, संजय गांधी का तीसरा नेत्र खुल गया। किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती कार्यक्रम पर बैन कर दिया गया। आपको तो पता ही है कि विविध भारती पर फिल्मी गानों को चलाया जाता था। इसके बाद फिर सेंसर बोर्ड को भी कहा गया कि जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने एक्टिंग की है या गीत गाया है उसको रिलीज मत होने दो। संजय गांधी के लोगों ने रिकॉर्डिंग कंपनियों को भी किशोर कुमार के गानों को बेचने से मना किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जबरन नसबंदी इतिहास के साथ एक क्रूर मजाक थी।
इमरजेंसी और नसबंदी, ये दो बड़े फैक्टर थे जिससे इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गईं। इस चुनाव में संजय भी अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में हार गए। शायद ऐसा होना तय भी था। जनता भी अपना बदला लेना खूब जानती है। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में बहुत गिरा। यहां जनसंख्या ज्यादा थी और यहां नसबंदी को सबसे अग्रेसिव तरीके से लागू किया गया था, जबकि दक्षिण भारत में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, जहां मोटे तौर पर इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। हालांकि 80 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई थी, जिसका श्रेय काफी हद तक संजय गांधी के बेहतर पार्टी संयोजन, स्ट्रेटजी और ग्रास रूट लेवल पर काम को दिया जाता है। संजय गांधी खुद भी जीत गए थे। वो एक बार फिर से भारतीय राजनीति में सबसे अहम हो गए। अब पार्टी के महासचिव भी बन गए थे, लेकिन 23 जून 1980 की एक मनहूस सुबह आई। इस सुबह संजय गांधी नई दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए हवाई जहाज को उड़ा रहे थे। इस दौरान उनका हवाई जहाज आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो गया, जिससे उनके सिर में चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इंदिरा गांधी अंदर से टूट गईं। थी तो वो मां ही। संजय गांधी के जाने के बाद इंदिरा गांधी ने मारुति प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाया। कहा जाता है कि अगर संजय गांधी जिंदा रहते तो इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते। एक सवाल यह भी आता है कि भारत संजय गांधी को कैसे याद रखे। देखिए, यह तो तय है कि संजय गांधी आजाद भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियंस में से एक थे। यह माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन उनका दूसरा साइड भी था जो शायद आम जनता को पता नहीं था। एक तरफ इमरजेंसी की ज्यादतियों, परिवारवाद, मारुति प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और जबरन नसबंदी के लिए कुछ लोग उन्हें विलन करार देते हैं, तो कुछ लोग उनकी स्पष्टवादिता, मैनेजमेंट और हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करने के उनके जज्बे की तारीफ भी करते हैं। आज कई लोग मानते हैं संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम देश की सबसे बड़ी जरूरत हैं। परिवार नियोजन में संजय गांधी ने सख्त रवैया अपनाया, लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि अगर वो नहीं अपनाया गया होता तो आज भारत में छोटा परिवार सुखी परिवार का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं होती। आज 2 बच्चे हैं, मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर जैसे नारे देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा आज मारुति देश का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड नहीं बनता, लेकिन आज भी कई लोग उस सामूहिक नसबंदी के काले अध्याय को भूल नहीं पाते, उस इमरजेंसी के दौर को नहीं भुला पाते जब किसी को भी कभी भी जेल में डाल दिया जाता था। एक बार मशहूर पत्रकार विनोद मेहता से पूछा गया कि इतिहास संजय गांधी को किस तरह से याद करेगा। उनका जवाब था, इतिहास शायद संजय गांधी को इतनी तवज्जो न दे और उन्हें नजरअंदाज ही करे। कम से कम मेरी नजर में भारतीय राजनीति में उनका वजूद एक मामूली ब्लिप की तरह था। शायद संजय गांधी की उस समय असामायिक मृत्यु नहीं हुई होती तो देश संजय गांधी के कुछ और योगदान देख पाता। शायद वो इमरजेंसी में लगे अपने ऊपर के दाग धोने की कोशिश करते, या शायद नहीं भी करते। शायद देश में कुछ अलग होता, या शायद उससे भी बदतर हो जाता। कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। आज संजय गांधी का वीडियो आपके सामने है। आप ही बताइए कि आप संजय गांधी को कैसे याद रखेंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।